सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जो भी नया जुड़ा है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। और इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलती है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा ऑन www.successki98.in पर जाकर। और जैसा कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं आपसे, जो भी एग्जाम कर रहे देने वाले हैं आने वाले, सबको मॉक टेस्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपको मॉक टेस्ट कहाँ देना है, तो मॉक टेस्ट आपको देना है ऑन www.estore.ibpsguide.com पर जाकर, जो कि लिंक आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर देता हूँ। पहला प्रश्न आने वाला है, कोशिश करिए कि सारे प्रश्नों को आप जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको आपकी तैयारी का भी पता चलते रहे। पहला प्रश्न आ चुका है, उत्तर दीजिएगा इसका। स्तनपाई किसके द्वारा श्वास लेते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए गलफड़, बी श्वास प्रणाल, सी त्वचा या डी फेफड़े। गिल्स, ट्रेशिया, स्किन या लंग्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी लंग्स, जी हां आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन B1 या डी विटामिन B2। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी विटामिन डी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। डायलिसिस किससे संबंधित है? ए जिगर से, बी गुर्दा से, सी आंखों से या डी मस्तिष्क से। उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी किडनी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? ए तना, बी पंक्तियां, सी जड़े या डी फूल। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी पंक्तियां, जी हां आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। यूरिया रक्त के से कहां अलग होता है? आपके ऑप्शन है ए आंत, बी पेट, सी प्रिया या डी गुर्दा। यूरिया रक्त से कहां अलग होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी किडनी, जी हां आपका उत्तर एकदम सही है, गुर्दा। छठा प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अदरक राइजोम, बी केसर बीज, सी अफीम अफीम बीजकोष या डी जूट तना। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी केसर बीज, जी हां ये उत्तर आपका एकदम सही है। सैफ्रोन केसर जो है वो क्या है, फ्लावर है, फूल है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। जब गुर्दे कार्य करने में विफल हो जाते हैं तो इसमें किसका संचय होता है? आपके ऑप्शन है ए शरीर में वसा, बी शरीर में प्रोटीन, सी रक्त में शुगर या डी रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, आपके ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे से कॉर्क प्राप्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए डेलबर्गिया, बी सेड्रस, सी क्वार्कस या डी स्वर्ण छिरी एर्गमोन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी क्वार्कस, जी हां आपका उत्तर एकदम सही है। नौवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? ए स्नायुबंधन, बी रेशेदार उत्तक, सी फाइब्रिन या डी मांसपेशी उत्तक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए स्नायुबंधन लिगामेंट, जी हां आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दसवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है? ए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, बी कम विद्युतीय ऋणात्मकता, सी निम्न आयनीकरण ऊर्जा या डी मोलबिलिटी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जी हां आपका उत्तर एकदम सही है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ग्यारहवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर जाएगा। गैस होल क्या है? आपके ऑप्शन है ए एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, बी प्राकृतिक गैस प्लस एथिल अल्कोहल, सी अल्कोहल में विघटित कोई भी गैस या डी एथिल अल्कोहल प्लस केरोसिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल, जी हां आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, बारहवां प्रश्न आने वाला है। इससे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो भी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाई बंधु तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। बारहवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। आम को परिपक्व करने के लिए
निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? ए कैल्शियम सल्फाइड, बी कैल्शियम कार्बाइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट या डी कैल्शियम क्लोराइड। आम को परिपक्व करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन है क्या? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए कैल्शियम सल्फाइड, नहीं सर ये गलत है, बी कैल्शियम कार्बाइड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, उत्तर जगह इसका, पायरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सूर्य के धब्बे, बी सौर विकिरण, सी वायु तापमान या डी पौधों के तापमान। पायरेलियोमीटर, तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 14वां प्रश्न ए राइस का उत्तर जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए बोना गेहूं, बी हाइब्रिड मक्का, सी ट्रिटिकेल या डी सोयाबीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ट्रिटिकेल। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, जो कि गेहूं और राई से बनाया जाता है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, उत्तर जी इसका, टेट्राथिल लीड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, सॉरी, ए इसे जमने से बचाने के लिए, बी इसका फ्लैश पॉइंट बढ़ाने के लिए, सी इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए या डी इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी टू इंक्रीज इट्स एंटी नॉकिंग रेटिंग। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, इसकी एंटी नॉकिंग नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। 16वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा, रासायनिक रूप से पेरिस का प्लास्टर क्या है? उत्तर दीजिएगा इसका, आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड या डी कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सही उत्तर आपका ए। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर दीजिएगा, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सतत तनाव, बी सशक्त बल, सी आसंजक बल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी एधेसिव फोर्स, आसंजक बल। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न इसका उत्तर देगा, इपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर करते हैं? आपके ऑप्शन है ए भोजन, बी शारीरिक समर्थन, सी छाया या डी पानी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है फिजिकल सपोर्ट। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ये रहा उत्तर देगा, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी सोडियम या डी क्लोरीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए सिलिकॉन। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न इसका उत्तर देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एप नहीं है? ए गिबन, बी गोरिल्ला, सी लंगूर या डी ऑरंगउटान। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी लंगूर। जी हाँ लंगूर जो है वो एप नहीं है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न इसका उत्तर देगा, पीतल काश्य और जर्मन चांदी में एक आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए एंटीमनी, बी तांबा, सी टीन या डी जस्ता। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी तांबा। जी हाँ कॉपर सम्मिलित है तीनों में। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न इसका उत्तर देगा, कॉर्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी अंडाशय, सी अग्नाशय या डी प्लीहा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी ओवरी अंडाशय। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न इसका उत्तर देगा, एक लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, इसका कारण क्या है? ए पानी की तुलना में पारा के साथ लोहे की कम रासायनिक परस्पर क्रिया के कारण, बी लोहा पानी से भारी है और पारे की तुलना में हल्का है, सी लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक है और पारे से कम है या डी पारा पानी से भारी है। जिन्होंने उत्तर दिया है सी आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मर्करी। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ उसके घनत्व के घटते क्रम में दिए गए पदार्थों का सही क्रम है? ध्यान दीजिएगा सही क्रम पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है ए स्टील, ग्रेटर देन मर्करी, ग्रेटर देन गोल्ड। सोना पारा स्टील, स्टील सोना पारा या सोना स्टील पारा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी गोल्ड मर्करी स्टील, सोना पारा स्टील। जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा,
हेलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी आयोडीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है फ्लोरीन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, इसका उत्तर देगा रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए केवल तरल, बी केवल प्रिज्म, सी केवल हीरे या डी सभी पारदर्शी माध्यम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी सभी पारदर्शी माध्यम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। इसके साथ साथ आपसे फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी हमें जरूर दीजिएगा। 27वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर देगा एंसेलम पाइन ने किसका आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है ए विटामिन, बी हार्मोन, सी प्रोटीन या डी एंजाइम। एंथलेन पाइन, जी उत्तर दिया है डी एंजाइम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 28वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर देगा रेटिना पर बनाई गई छवियां क्या होती हैं? आपके ऑप्शन है ए वस्तु के बराबर लेकिन उल्टे, बी वस्तु से छोटे लेकिन सीधे, सी वस्तु से छोटे लेकिन उल्टे या डी वस्तु के बराबर लेकिन सीधे। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, जो कि रियल इमेज होता है, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना है? टोटल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 180 दिन या डी 190 दिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए 120 दिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा जैविक स्थिति क्या संदर्भ है? ए कम तापमान का, बी कम नमी का, सी उच्च वाष्पीकरण का या डी अधिकतम तापमान का। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी लो ह्यूमिडिटी कम नमी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा गर्म खून वाले जानवर वे हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या रखने में सक्षम है? आपके ऑप्शन है ए पर्यावरण में निम्न, बी पर्यावरण से उच्च, सी हर समय समान या डी वायुमंडलीय तापमान के बराबर। तो जो उत्तर दिया है सी कंस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा साइक्लोट्रॉन्स का उपयोग किसके त्वरण प्रदान करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी परमाणु या डी आयनों के। उत्तर दीजिएगा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी प्रोटॉन, जी हाँ साइक्लोट्रॉन्स का उपयोग पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक्सेलरेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो कि है प्रोटॉन। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का परिक्षेपण, सी प्रकाश का विवर्तन या डी प्रकाश का अपवर्तन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा एक हाइड्रोफाइट क्या होता है? आपका ऑप्शन है एक समुद्री जानवर, बी एक जलीय पौधा, सी एक पौधे का रोग या डी एक जड़ रहित पौधा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एन एक्वाटिक प्लांट, जी हाँ जलीय पौधा आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा उष्णकटिबंधीय स्तर एक में कौन शामिल होते हैं? आपका ऑप्शन है ए शाकाहारी जानवर, बी मांसाहारी जानवर, सी सर्वव्यापी जानवर या डी हरे पौधे। ट्रॉफिक लेवल वन जो कि लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं, तो जिन्होंने उत्तर दिया डी ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे, जी हाँ ट्रॉफिक लेवल वन में हरे पौधे होते हैं। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं? ए त्वचा के माध्यम से, बी गिल के माध्यम से, सी फेफड़ों के माध्यम से या डी सांस की नली के द्वारा। तो जिन्होंने उत्तर दिया बाई ट्रेसियल सिस्टम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा मिराज का कारण क्या है? ए प्रकाश का व्यक्तिकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण या डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जिन्होंने उत्तर दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 38वां प्रश्न ए रहा इसका उत्तर देगा तीन आयामी वस्तु की छवि को एकीकृत करने और चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए ऑडियोग्राफी, बी कोश रचना, सी फोटोग्राफी या डी होलोग्राफी। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी होलोग्राफी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न इसका उत्तर देगा कॉपर सल्फेट का एक जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि नमक का क्या होता है? ए अपोहन होता है, बी विद्युत अपघटन होता है, सी जलीय संलयन होता है या डी
फोटोलाइसिस होता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, हाइड्रोलाइसिस जलीय संलयन होता है। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर दीजिएगा एकदम सही। क्या होगा यदि अग्नाशय खराब है? आपके ऑप्शन है ए, पाचन ठीक से नहीं होगा, बी, इंसुलिन और ग्लूकोन गठित नहीं होंगे, सी, रक्त गठन बंद हो जाएगा, या डी, रक्तचाप में वृद्धि होगी। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, इंसुलिन एंड ग्लूकोजन आर नॉट फॉर्म्ड। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे मेरे पास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितने कितने किसने अटेम्प्ट किए, मैं जरूर देख लूँगा। तो कल मिलते हैं शाम को ठीक 4:30 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, और जी हाँ, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।